रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड की दुग्ध उत्पादन क्षमता जल्द ही 2.5 लाख लीटर प्रतिदिन हो जाएगी। साहिबगंज और पलामू में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला चिलिंग प्लांट जल्द ही तैयार हो जाएगा। जल्द ही झारखंड आसपास के राज्यों में दूध की सप्लाई शुरू कर देगा। पहले ही झारखंड में 1 से 1.25 लाख लीटर का दूध उत्पादन होने लगा है। NDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से करार हो चुका है, जिसके बाद झारखंड की दूध उत्पादन क्षमता दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। उस अग्रीमेंट दोबारा पिछले कैबिनेट में ओके कर लिया है। अभी हम लोग अगले तुरंत छुट्टी के तुरंत बाद उसमें भी MOU साइन हो जाएगा। उसके पश्चात हमारा 3 प्लांट जो ऑलरेडी मेगा प्लांट जो राज्य में जितना कैपेसिटी अभी है उसका डबल हो जाएगा कैपेसिटी। वो मेगा प्लांट जो 3 बन रहा है साहबगंज सारट और पलामू, उसका योजना पूरा करने का फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसमें कुछ पैसा उनको हमारे तरफ से आवंटन उनको उपलब्ध कराना है। साहिबगंज सारठ और पलामू 3 जगह है जहां 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का मिल्क चिलिंग प्लांट करीब करीब बनकर तैयार है। निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को कुछ पैसों की जरूरत है, जिनके मिलते ही तीनों प्लांट से उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये जो प्लांट जो बन रहा है वो 1 प्लांट का कैपेसिटी प्रतिदिन 50,000 का। कोविड संक्रमण के दौरान दुग्ध उत्पादक किसानों के बीच एक भ्रम फैल गया था कि उनकी गाड़ियों से निकलने वाले दूध का क्या होगा। तभी से झारखंड में 3 अरब मिल्क चिलिंग और प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत महसूस हो रही थी, जिससे कैपेसिटी से ज्यादा उत्पादन होने वाले दूध को पाउडर बनाकर सुरक्षित रखा जा सके। अब यह संभव हो सकेगा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन राजा के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।